बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए समर रेसिपीज में लेकर आई हूँ साबूदाना कस्टर्ड फ्रूट जेली डेजर्ट। तो ये बहुत मज़े की, बहुत यम्मी बनी थी। उम्मीद आई हो आप सब लोगों को पसंद आएगी जब आप लोग मेरी रेसिपी से बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जेली जमाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्लेटों में गर्म पानी शामिल करते जा रहे हैं। हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे क्योंकि हम थोड़ी क्वांटिटी में जेलियाँ बना रहे हैं। और यहाँ पर हम डिफरेंट कलर की जेलियाँ बना रहे हैं, तो आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप उस फ्लेवर की जेलियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ मैं चार अलग अलग कलर की, अलग अलग फ्लेवर की जेलियाँ बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ब्लूबेरी शामिल कर दी, ब्लू कलर की जेली बनाऊँगी। उसके बाद मैं रसभरी की जेली बनाऊँगी, यानी रेड कलर की। उसके बाद ग्रीन यानी बनाना जेली बनाऊंगी, फिर येलो और मैंगो कलर की जेली बनाऊंगी। तो इस तरह हम चारों जेलियों को इस तरह इस पानी में डिसॉल्व कर लेंगे अलग अलग प्लेट्स में, और फिर इनको सेट होने के लिए हम काउंटर पर छोड़ देंगे, या फिर हम इनको फ्रिज में, जल्दी बनाना हो तो आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो हम जल्दी इन तमाम जेलियों को तैयार कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 1/3 कप साबूदाना ले लिया था और इसको मैंने पानी में बॉयल्ड होने के लिए रख दिया है। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना आप उस हिसाब से साबूदाना ले सकते हैं। साबूदाना को हम तकरीबन 10 मिनट में साबूदाना इजीली बॉयल्ड हो जाता है। तो साबूदाना जैसे ही बॉयल्ड हुआ, हमने यहाँ पर साबूदाने को ड्रेन कर रहे हैं, छन्नी में छान लेंगे। यहाँ पर सारा उसका पानी निकाल लेंगे हम। फिर साबूदाने को हम टैप वाटर से पानी डालेंगे ताकि तमाम साबूदाना अलग अलग खिला खिला रहे। साबूदाने को अब हम एक साइड पे रख देते हैं। अब हम यहाँ पर, हमने एक पतीली ले ली है, यहाँ पर हम 1.5 कप दूध शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम इसमें 1 कप शामिल कर रहे हैं दूध, और आधा दूध जो है कप, आधा कप हम आगे जाके शामिल करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 कप के हिसाब से चीनी शामिल कर रहे हैं। चीनी मैंने 1/4 कप चीनी ले ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीनी ले सकते हैं। अब चीनी को हम डिसॉल्व होने तक पकाएंगे। कि आधा कप हम मज़ीद और ले रहे हैं। हमने आपसे कहा था हम टोटल 1.5 कप का इस्तेमाल करेंगे दूध का, तो 1 कप हमने पहले यूज़ कर लिया था, आधा कप हमने ले लिया है। अब जो हमने आधा कप दूध लिया है, इसमें हम इसमें प्याली में शिफ्ट कर देंगे इस आधा कप वाले दूध को, और इसमें हम 1 टेबल स्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं वनीला का कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी। पाउडर को हम डिसॉल्व करेंगे दूध में, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर एक हाथ से हम कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिल्क में डिजोल्व किया था वो शामिल करते जाएंगे, और एक हाथ से स्पून चलाते रहेंगे ताकि इसके कोई लम्स ना बने। अच्छी तरह कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हमने 5 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि जो कस्टर्ड का कच्चा पानी वो दूर हो जाए। और कस्टर्ड को फिर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बिल्कुल कम्प्लीटली हम कस्टर्ड को ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर जो जेली हमारी सेट हो गई थी उनको हम इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। अच्छा, देखिए कस्टर्ड हमारा जो है ठंडा हो गया था, हमने इसको फिर पहले पंखे के नीचे ठंडा कर लिया, फिर हमने इसको फ्रिज में रख कर ठंडा कर लिया है। अब देखिए जो कस्टर्ड है इसको हमने शामिल कर दिया अपनी सर्विंग बाउल में। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे जो जो चीज़ें हमने इसके साथ गार्निश करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉयल किया हुआ साबूदाना शामिल कर देंगे कस्टर्ड में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे साबूदाने को कस्टर्ड में। साबूदाना जब अच्छी तरह मिक्स हो गया तो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे फ्रूट्स। आप यहाँ पर कोई भी से भी फ्रूट ले सकते हैं जो सीज़न के फ्रूट्स हों। यहाँ पर मैं फ्रूट कॉकटेल जो है वो यहाँ पर फल शामिल कर रही हूँ, थोड़े से ये फल शामिल कर दूँगी मैं। फिर इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी, मेरे पास चीकू था घर में तो मैं यहाँ पर चीकू शामिल कर दूँगी। आपके पास यहाँ पर आम हो आप आम, अंगूर और जो भी फल हो सीज़न के, आप वो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अब तमाम जेलियाँ शामिल कर देंगे अपनी डिश में। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, कितनी कलरफुली लग रहे हैं। आप इसको रैम्बो डिश भी कह सकते हैं, रैम्बो साबूदाना फ्रूट कस्टर्ड। ये बहुत मज़े का बना था, खाने में बहुत टेस्टी था। आप यकीन करें कि मेरा जो बनाया था ना वो पूरा गिलास में पी गई थी, इतना मज़े का बना था ये। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की, बहुत यम्मी बनी थी ये रेसिपी। अच्छा, अभी क्या है, अभी हमने तमाम जेलियाँ शामिल करके कस्टर्ड में मिक्स कर ली हैं। अब चाहें तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको मेहमानों के आगे गिलास में भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको आपको यहाँ पर गिलास में भी सर्व करके दिखाऊंगी, और फिर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स इसमें यहाँ पर आपको और मज़ीद शामिल भी करके बताऊंगी।
अब हमने गिलास ले लिए, गिलास में हम आपको डाल के दिखाते हैं और मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी। यकीन करें ये बहुत मज़े का, बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बना था। इसमें तमाम जेलियों का जो फ्लेवर फुल मज़ा आ रहा था, ज़बरदस्त था। जो हमने दूध का इसमें कस्टर्ड बनाया उसका अलग फ्लेवर आ रहा, वो मज़े का। जो हमारे मुँह में साबूदाना और ये पिस्ते बादाम जेलियाँ आ रहे हैं, बहुत यमी, बहुत टेस्टी था। हर चीज़ें अपने अपना टेस्ट इसमें हमें दे रही थी, बहुत मज़े का बना था। आप लोग इस गर्मियों में ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। लाइक का बटन तो अभी दबा दें वरना फिर आप भूल जाते हैं, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में रेसिपी को जरूर शेयर किया करें। और नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दिल के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मजे मजे की ईद रेसिपीज और समर रेसिपीज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल के जायके से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।